नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अडानी और हिंडनबर्ग मसले पर जारी हंगामे के बीच अब देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को लेकर मामला उठने लगा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों की छुट्टी का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से उठने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मीडिया पर है कि वो इस मसले पर इतनी चुप क्यों। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में अपनी वर्कफोर्स में बड़ी कमी करने की वजह से सुर्खियों में आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार RIL ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी की कुल वर्कफोर्स में 11% की कमी आई। सबसे ज्यादा कंपनी के रिटेल डिवीजन से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। नए भर्ती की संख्या में आई भारी कमी। RIL के इस कदम का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना है। कंपनी की कुल वर्कफोर्स 2022-23 के 3.89 लाख से घटकर 2023-24 में 3.47 लाख हो गई। इसके साथ ही नए भर्ती की संख्या में भी एक तिहाई से अधिक की कमी आई, जो FY24 में कुल 1.71 लाख तक सीमित रही। इस कटौती से RIL का रिटेल बिजनेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें कंपनी की कुल वर्कफोर्स का लगभग 60% हिस्सा शामिल है। रिटेल सेगमेंट में कर्मचारियों की संख्या 2.45 लाख से घटकर 2.07 लाख हो गई। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी संख्या में छटनी हुई है। रिलायंस ने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। अंबानी की कंपनी देश की बड़ी कंपनियों में शुमार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। उनकी कंपनी 21 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का टैक्स से पहले का मुनाफा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। इन तारीफों के बाद अब जरा झटके वाली हकीकत भी समझिए। रिलायंस ने FY24 में नौकरियों में 11% की कमी आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 42,000 कर्मियों की संख्या घटाई है। बता दें कि मुकेश अंबानी ने बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया। वेडिंग में आए दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट में 2-2 करोड़ की घड़ी दी गई, लेकिन 42,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। अंबानी ने अपने बेटे की शादी में VVIP गेस्टों पर करोड़ों का खर्चा किया। जहां उनकी बहू राधिका ने शादी में सोने की तारों से जड़ा लहंगा पहना, तो वहीं अनंत अंबानी की शेरवानी की कीमत 214 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनंत राधिका की शादी का खर्चा कुल 5,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।